संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, एयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, चले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत, हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadaknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गाँव कागदाना में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों जो है नरमा चुनाई का सीज़न चल रहा है। कॉटन के खेत में इस वक्त मैं मौजूद हूं और इसके साथ साथ चुनाव भी चल रहा है, और ये कह सकते हैं कि यहां पे उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को लेकर के 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे, और हम हर वर्ग के लोगों से जो है बातचीत कर रहे हैं, किसान, मजदूर और तमाम खास करके महिलाओं से, और जानने का प्रयास करेंगे कि इस इलाके में क्या कहना है इन लोगों का और इस बार परिस्थितियां हैं वो किस तरह की हैं। हमारे साथ खेती हर मजदूर है जो मजदूरी करते हैं, नरमा की चुगाई कर रहे हैं, एक परिवार है और कुछ महिलाएं भी हैं दूसरी साइड। हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मनोहर लाल दहिया जी। तो मनोहर जी, क्या काम करते हैं आप? जमींदारी करा जी। खेती बाड़ी करते हैं। तो इस बार चुनाव भी हो रहा है, चुनाव को लेकर क्या परिस्थितियां रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? तो चुनाव वालों तो नहीं है, खेतों बना देते हैं, पूरा नॉलेज को नहीं मामा तो जी। बाकी बिल्लू को मारो सिस्टम तो कड़वाड़ है, और फिर वह एक सीट रहेगी, काम तो होना ही को नहीं। काम तो BJP सरकार करेगी, अगर गोपाल कंडर में वोट देंगा, गोपाल कंडो जीतता हो तो मार्के काम करेगा। अच्छा, और तुम्हारे लिए सारी सरकार एक सी है। गरीब आदमी को क्या मिला? बार बार चुनाव होते हैं, जिस तरह से दलित परिवार हैं जो नरमा की चुगाई कर रहे हैं, उधर भी महिलाएं। गरीब आदमी ने BJP सरकार में जी ठीक मिलने लग रहे, फ्री कणक मिलने लग रही है, अच्छो सहयोग दे, कोरोना के बजे खूब सहयोग दिए है। अच्छा। और थाने में दिहाड़ी करके कारण है, सरकार किसी आज जी मान तो दिहाड़ी करनी है, मजदूरी करनी है। तो सरकार में क्या, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जो जो आप कह रहे थे कि गरीब आदमी को जो है राशन मिलता था या कुछ हो रहे, इस सरकार में भी कुछ है ऐसा? कांग्रेस सरकार में नहीं है जी, गरीबों का टबरा अच्छा लग गया। ए सरकार में तो नहीं, पढ़ाई करे बच्चों लग गया, बढ़िया सरकार है, माड़ी को नहीं, गरीबों के लिए। तो और आंदोलन चल रहा है, आग मान नॉलेज कौन जी। तो आपके गाँव में भी कुछ बच्चे ऐसे लगे हैं जो पढ़ाई करने वाले? हाँ, लग गए जी हमारे गाँव में। कितने बच्चे लगे? अपने गाँव में लग गया होगा जी, 2 तो दाणका की थोड़ी लग गए जी, चमार चुमरा थोड़ा लग गया, नहीं कई बंदा लग गया जी। अच्छा, किस पोस्ट पे लगे? पोस्ट तो या डी ग्रुप में लग गया जी। या डी ग्रुप में? अच्छा, तो बिल्कुल पैसे पे लगे या वैसे? ना, पीसा पासा कौन लग गया जी, कोई कहाँ तो मैं लिए थे मेरे को नहीं, बाकी पीसा को जिक्र कौन जी, कोई जिक्र। पढ़ने वाले बच्चे लगे? हाँ, पढ़ने वाले बच्चे। बाकी गरीब आदमी इस चुनाव में क्या कर रहा है, क्या जो खास करके जो वो क्या सोचता है इन सरकारों को लेकर के, कांग्रेस सरकार रही, BJP सरकार भी रही, पहले ही नेलो की सरकार भी रही, अलग अलग सरकारों में जो ज़्यादा फायदा है वो कब मिला? देखो, मेरी याद आने तो BJP सरकार ही भी है, ये 10 साल हो गया होगा, चल रहा 10 हो गया, पहला तो 7 हो गया, पहला तो कांग्रेस सरकार ठीक से होक दें दी, और चुटाला टाइम हमारी याद को के दी हो के ना दिए जी, बहुत पुरानी टाइम होगी। 17-18 साल पहले की बात होगी। अब ध्यान कौन जी, बच्चा जी। अब इस सरकार में, इस सरकार की बात करें तो इस सरकार में GST तो उरत की हुई कोनी, बाकी गरीबान भूख और मन दिया। अच्छा, बाकी आंदोलन चल रहा है, कानून कानून दिमाग मान नॉलेज को नहीं। अच्छा, खेती कानूनों का आपके जो है असर नहीं इतना या क्या मानते हैं? जाना ही कौन जी, मेरे तो दिहाड़ी करने वाला नॉलेज कौन है। अच्छा, बाकी जो है जो गरीब व्यक्ति है वो क्या चाह रहा है इसमें, वोट ज़्यादा परसेंटेज वोट है वो कहाँ जाएगा जी? ज़्यादा परसेंट वोट तो बिल्लू का ही जाएगा जी। अच्छा, बिल्लू को जाएगा। हाँ, बाकी
जो गरीब आदमी है वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनका वोट भी जाएगा? वो तो देखो जी, आप आपकी सोच है, अभी खड़ा कौन वोट देखो, बाकी मार तो नाम तो बिल्लू को चाले जी। अच्छा, नाम चल रहा है। हाँ जी, तो हमारे एरिया को रहने वाला है जी, बुढ़ा बुजुर्ग हमारी इज्जत करे करता। तो आपका, आपकी अगर बात करें तो वोट कहाँ जाएगा आपका? देखो जी, की कौन बता, मौका वो देखा जी, सो ठीक लागो भी नहीं दे जाएगा, माहौल ठीक लग गया अभी, हार का नहीं कौन दिया, जीत का नहीं जाएगा। जीत के पास जाएगा। हाँ, जीत के पास जाएगा। तो कौन कौन है जिताऊ कैंडिडेट, कौन है, कौन जीत सकता है चुनाव? मारती है हमारे एरिया रही है जी, कौन बेनुवाड़ हो, बिल्लू हो, कांडो तो बेचारो लाइफ का आयो है, देखो केर है, बता की सोच है। हाँ, बस देखो, वो तो भाई मालिक के घरों लिखी रहा है, कौन राज करा है, मौका देखना पड़ा जी। बाकी आपके गांव का जो गरीब आदमी है या आपके गांव के जो दलित वोटर हैं, वो ज़्यादातर इस सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं? नहीं, ये हमारे जमींदार करे नहीं, जो जाट जमींदार है, हम जिन खेती करा बांग हिसाब वोट दें जी। अच्छा, उनके हिसाब से वोट? हाँ, बे क्यों बांग रात दिन बांग मत लगा लासी दूध लिया, बेकवा भी तो अपन सरकार अच्छी है तो बड़े वोट दे दिया। ये लग गया रहता है। हाँ जी, धन्यवाद। कुछ और महिलाएं भी हैं हमारे साथ जो दूसरी जो है दूसरी जगह जो है वो खेती, वो जो नरमा की चुगाई कर रही हैं, हम उनसे भी जो है बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग जो सरकारें रहीं और महिलाओं को क्या मिला, क्योंकि जो जो सरकारें रहीं, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की सरकार है इस राज्य में, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं नरवा की चुनाई कर रही हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? कैलाश। कोई बात नहीं, आप हिंदी बोलने की कोशिश मत करो, जो आप वैसे घरों में बोलते हो वैसी बात ही, क्योंकि हम हमारे दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं, खास करके जो महिलाएं मजदूरी करती हैं, जो जो खेतीहर मजदूर हैं, वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं या सरकारों को लेकर के क्या सोचती हैं, किस किस सरकार में कैसा कैसा काम हुआ, वो उस पर उसको लेकर के हम बातचीत करने का प्रयास। बता दी वो एक जड़ो मार साग यार, पूछ बता दे, नहीं बने माना इतनी कौन ध्यान सरकार सरकुर की नहीं, इस सरकार मेरे को ये बताओ, इस सरकार में कुछ काम हुआ आपके गरीब आदमियों का? की काम कौन है हमारा, तो क्या काम हो इस सरकार में? नहीं हुआ की कौन है, राशन कार्ड है वही कौन बना के दे भाई, कभी सर्वे हो जिद बनावांगा का। अच्छा, राशन कार्ड नहीं बन रहा जी, और क्या, और क्या दिक्कतें होती है महिलाओं को जो है आपके गाँव में, गाँव की बात करने को? महिलाओं तो पानी पुणी की ज्यादा दिक्कत हो, और क्या दिक्कत हो महिला ने? अच्छा, पानी पुणी नहीं, और का राशन कार्ड चाहिए, कोई गरीब आदमी है वाने, कोई सिर पर आदमी को नहीं। अच्छा, राशन कार्ड भी नहीं है? राशन कार्ड को नहीं, पीला राशन कार्ड नहीं, किसी को नहीं है। अच्छा, कैसा भी नहीं है की कौन मिले, तो कोई लाभ नहीं तो किसी सरकार से ही कौन फिर है, तो लाभ किसी तरह का कोई नहीं मिलता? नहीं जी, चाहे मकान की बात करें या राशन की बात करें, कौन मिले जी अपन, तो राशन भी नहीं मिलता सरकारी नहीं, सिर पर आदमी को नहीं, वाखड़ी बैंक सिर पर आदमी को नहीं, कोई इनको कोई लाभ नहीं, बैन तो फिर कोई कोई पहला कोई है तो किन तनखा, तनखा की कौन मिला या खड़िया जिन्ना नहीं लफा छोटी, तो भाई काट दी। अच्छा, ये इस सरकार में लाभ नहीं मिला आपको, तो वोट का वोट कहाँ जाएगा ज्यादातर? वोट बाट तो जी थाने पहले ही बता दी, घर का धनी का बड़े जाओ। अच्छा, वहाँ जाएगा, और अरे भी के बेरो पड़े जी, लड़ाई दंग हो जी, कोई ना ही घेरण जान दे है, कहो लड़ाई दंग हो जी, कोई ना ही घेरण जान दे, मनवाने का ना जाइयो, ये भी के बेरो पड़े है। अच्छा, अभी कुछ नहीं है। हां जी, आपका क्या नाम है? ये लो पहले नरमा लो जो मैंने चुका है। असमत। हां जी, क्या नाम आपका? असमत। अच्छा, तो आप जो है मुस्लिम परिवार से हैं जी, कितने परिवार है मुस्लिम यहाँ पे कागदाना में? गणाई घर है, 300 घर है। 300 घर है, तो 300 वोट है, तो 87 घर होंगे फिर, है ना? तो क्या इस सरकार में कुछ लाभ मिला मुसलमान ने? तो कोई लाभ को नहीं, कुछ लाभ नहीं मिला मुसलमान ने, तो बुराई नहीं मिले तो ठीक है। अच्छा, ये बुराई नहीं मिले तो ठीक है, तो कोई जिस तरह से आप ये मजदूरी करते हैं, तो आपका परिवार मजदूरी करता होगा? यही काम करा खेती, ठेके पे खेती लेके या हिस्से पे खेती पे करते हो। तो आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको कोई सरकारी सुविधाएं या आपके
परिवार को कोई ना कोई सुविधा कोई नहीं, कोई कुछ नहीं मिलता। तो वोट अब आ रहे हैं तो नेता भी आपके गांव में आएंगे, कोई सवाल है आपका इन नेताओं से क्या होना चाहिए? के सवाल करा नेता हूं जी, कोई सुनाई कौन करे, सुनाई कौन करे, के गौर करा, सुनाई कौन करे, के गौर करा, कोई गौर कौन करा, कोई बात को नहीं मारी नेता हूं। जे जी करेगा तो वोट गिर जाएगा, तो इबकार तो लाइन में भी कौन लगा, बस बात यही है। अच्छा, भी कोई गोरी को नहीं, अच्छा वोट डालने का कोई मूड नहीं, कोई मूड नहीं। तो क्या क्या मांग करती हैं सरकार से आप, ये जो वीडियो है जो सरकार के लोग भी देखेंगे? कोई राशन कार्ड कोई की तो सुविधा होनी चाहिए, कोई राशन कार्ड आपको मिले, मकान वगैरह को मिले। मकान पक्का है आपका? मकान तो पक्को, मजदूरी करके कर लिया आजकल, बेरो तड़े दब जाऊंगा मी बरसे गुजरे। अच्छा, तो वैसे कोई नहीं फायदा, कोई फायदा? हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? पूजा नाम है जी। हाँ जी, पूजा नाम जी। पूजा, तो पूजा अभी मजदूरी करते हैं? हाँ जी। तो आपके पति की कौन नहीं, 2 साल हो गुजरे, 2 साल हो, क्या क्या हुआ था, कैसे टीबी की बीमारी जी? अच्छा, बीमारी थी। तो 2 साल हो गए, दो छोटे बच्चे हैं, दो छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं बच्चे? हाँ, थोड़ा स्कूल में जाने लग गए, छोटा ही है, 5 साल का छोरा है। अच्छा, 2-3 साल से। अच्छा अच्छा, 5 साल का लड़का है, लड़कियाँ कितनी हैं? लड़की एक है जी, 8-9 साल की। अच्छा, 8-9 साल के बच्चे स्कूल में जाते हैं आपके? हाँ, जाने लग गए। तो क्या इस बार क्या चाहिए महिलाओं को, आपको सरकार ने कोई मदद वगैरह दी कोई? ना जी, राशन कार्ड को नहीं, मकान भी कच्चा है जी। अच्छा, मकान भी कच्चा है। आपकी जो पेंशन वगैरह, जो विधवा पेंशन कौन बनी जी? नहीं बनी। तो आपने कोई फार्म वगैरह कोई जमा? फार्म भी जमा करा दिए। 2 साल हो गया आपके पति की डेथ हुई? हाँ जी। तो 2 साल में कोई पेंशन नहीं मिली? ना जी। तो आपने कहाँ फार्म जमा करवाया कोई है? सिरसा जी। लेकिन पेंशन नहीं मिली? नहीं जी। बाकी आपके बच्चों को भी पैसे नहीं मिलते होंगे? ना जी, कुछ कोई मिले नहीं फिर। हाँ जी, कभी नर्व हो गया, कभी के नहीं, टाइम पास करा जी। अच्छा, कभी कभी कहीं नहीं सकते। और आपके परिवार के बाकी लोग क्या करते हैं? कौन ही परिवार कर दो, कौन ही कुछ को नहीं, कर लिया जी, अकेली हूं बिल्कुल। अच्छा, देवर भी एक्सपायर हो गए? वो कैसे एक्सपायर हुए? वे भी पहले कोई चल रहा है, मेरान से पहले, शादी से पहले ही गुजर रहा है जी। अच्छा, शादी से पहले जी। और जो उसके बाद जो है आपके पति की भी डेथ हो गई? हां जी। तो पेंशन अब तक नहीं मिली आपको? नहीं जी। चलिए, प्रयास कार्ड भी कोने जी, कण कण कार्ड भी नहीं है, राशन वगैरह भी नहीं मिलता होगा? नहीं जी। धन्यवाद। कोशिश जी होगी कि जो है आपको पेंशन भी मिले, क्योंकि सरकार के लोग भी ये वीडियो को देखेंगे और निश्चित तौर पर आपकी जो है मदद भी की जा सके। आपका क्या नाम है जी? जी, नाम तो मेरा कांता है, मैं बोलने को नहीं आप पूरो। आप अपने जैसे घरों में आपस में आप बातचीत करती हैं महिलाएं? बता चुका रिया सा की बात तो मारूं जी। अच्छा, नहीं, आप वैसे जो महिलाओं से बातचीत करती हैं, ये लीजिए अपनी बोली भी बोल दे, तो वैसे ही आप बता दीजिए। के बताऊं जी, बताओ। तो कुछ सरकार वगैरह कोई सहायता मिलती है गरीब? सहायता जी, मन तो पिलसन मिला, बच्चा ही कट गिर, बच्चा ने स्कूल में पैसा मिला, राशन मिला, और रात सहायता है, और मकान मुकुम गया कौन जी? अच्छा, मकान नहीं है, मकान मुकुम मिला कौन नहीं, नहीं तो ना दिहाड़ी करेगा। अच्छा, आप आपके पति की कब डेथ हुई? 12 साल हो गए। अच्छा, तो 12 साल से पेंशन मिल रही है आपको? हाँ मिला जी, पिलसन तो। और बच्चों को पेंशन मिल रही है? बच्चा की तो कट गई जी की, तो 18-18 साल लगा हो गया जी दहर की, पहला 2 साल हो गई कटिया जी, को गौर करी नहीं की, तो सरकार के करीब मैं कि गौर कौन करी जी, कर बंद जी दूसरे। अच्छा, तो कोरोना काल में को सरकार ने कोई मदद दी गरीब आदमी? ना जी, अपन तो रुपये कौन दियो सरकार ने, मत वोट दियो कौन निकले, 500-500 रुपया एक करदा भाई कौन आया मेरा, तो जो बच्चों को आश्रितों के हिसाब से जो पैसे मिलते थे वे भी कौन आया जी। तो आप मजदूरी करके परिवार का जो मजदूरी हो वही कौन, मैं तो प्रेशन हो रहा था जी, मैं तो नहीं नरमो ही चुगू, मन मोटो काम हो कौन दिहाड़ी दिहाड़ी को। अच्छा, होते नहीं है। तो क्या वोट कहाँ जाएगा, महिलाएं क्या सोचती है चुनाव को लेकर? तो जी ये गरगा एक को करे गेरा बड़े गेरा पड़ो जी, नहीं फिर नाकत कौन जाई जाऊं खड़े। लेकिन महिलाओं की मुश्किलें कोई सरकार नहीं सुनता? हाँ, कौन सुने जी सरकार की। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कुछ महिलाएं जो इस जो है नरमा की चुगाई कर रहे हैं कॉटन के खेत में, जिन्होंने अपना अपना जो है दर्द बयां किया, और दिसड़कनामा.com की टीम आपको हर वर्ग से रूबरू करवाती रहेगी, ये हमारा प्रयास है। और क्योंकि कुछ महिलाएं हैं जो मजदूरी करके अपने परिवार का जो है पालन पोषण कर रही है, और इन महिलाओं को जो मदद नहीं मिल पाती, सरकार के से जुड़े हुए अधिकारी या जो है सरकार
यानी कि अगर ये वीडियो देखे तो इन महिलाओं की मदद जरूर कीजिए, क्योंकि एक ऐसी महिलाएं हैं जिसके पति की मौत जो है 2 साल पहले हो गई थी, लेकिन आज तक जो है पेंशन का इंतजार कर रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि दिसड़कनामा.com की चुनाव यात्रा गाँव ही नहीं खेतों तक भी पहुँच रही है। बहुत बहुत